मैं चिड़ियाघर के जानवर जैसा फील करता हूँ जब लोग मुझे सेल्फीज के लिए घेर लेते हैं, ऐसा कहा था जस्टिन बीबर ने। और विद्या बालन ने कहा था कि हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि सेल्फी खींचते समय कोई भी अजनबी आके मेरे कंधे पे हाथ रख दे। विद्या बालन ने ऐसा क्यों कहा था आगे बताऊंगी, और जस्टिन बीबर की कही एक बात जो सेल्फी युग में याद रखने लायक है वो भी बताऊंगी। लेकिन इन सब के बीच जो केंद्र में सवाल है वो ये कि क्या फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाना सेलिब्स का धर्म है, उनकी ड्यूटी है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का? अब हो ये रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में लेने के देने पड़ रहे हैं। आप लोग की जो सेल्फी और फोटोग्राफ का जो चला हुआ है ना सर, मैंने उसका वीडियो बनाई, उसने उसका फोन फेंक दिया। लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, ये दुनिया भर में हो रहा है। और कुछ सेलिब्स तो इससे कंफर्टेबल हैं, लेकिन कुछ सेलिब्स इस कदर परेशान हैं कि स्कॉटिश एक्टर इवान मैकग्रेगोर ने यूके छोड़ने की कई वजहों में से एक वजह ये बताई कि वो सेल्फीज की अनगिनत रिक्वेस्ट से तंग आ चुके थे। आप कह सकते हैं कि सेलिब्स एक तस्वीर ही तो मांग रहे हैं, उसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। वैसे भी सेलिब्स को सेलिब्स बनाया किसने, इस पॉइंट पर आते हैं। लेकिन जिस तरह हर काम को करने का एक तरीका होता है, उसी तरह अपने फेवरेट सेलिब से तस्वीर मांगने के भी कुछ मैनर्स होते हैं। जैसे आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। शिष्टाचार तो यही कहते हैं कि बिना परमिशन किसी के साइड में जाकर उसे अपने फोन में कैद करना कोई शराफत नहीं है। दूसरी बात, वो व्यक्ति कहाँ है, क्या वो अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ है, तो ऐसे में हो सके तो उन्हें अकेला ही छोड़ दिया जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं इसके बाद तो शाहरुख खान हाथ नहीं आने वाला, तो बेहद विनम्र लहजे में जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि वो आपकी रिक्वेस्ट को मना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी तरह से बाध्य नहीं है आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। सेल्फीज़ ने सेलिब्स की इमेज बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। गुजर गए वो दिन जब किसी स्टार या नेता का पहुंच से दूर होना एक्सेप्टेबल था। अब आलम यह है कि किसी फैन के साथ एक प्यार भरी तस्वीर स्टार्स की छवि में चार चांद लगा देती है। रील्स में इन क्लिप्स को देखकर लगता है कि यार ये तो हमारे जैसे हैं या हमारे जैसी है। इसी कोशिश में कई बार एयरपोर्ट पर थके हारे लौटकर भी ये चेहरे फैंस के कैमरे से मुंह नहीं मोड़ते। जैसा कि एक्टर अर्जुन कपूर ने कहा कि हर एक सेल्फी का मतलब एक टिकट का बिक जाना। लेकिन फोटोग्राफ से पहले ऑटोग्राफ के दौर में बात इतनी नहीं बढ़ती थी कि कोई आपको छूने लग जाए। विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह कोलकाता एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति ने सेल्फी के नाम पर जब बार बार उनके कंधे को छुआ तो उन्हें कहना पड़ गया कि आप हद पार कर रहे हैं। वापस आते हैं जस्टिन बीबर पर, जिन्होंने अपने एक ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले स्नैपचैट वीडियो के जरिए एक एटिकेट लिस्ट बनाई थी जो बताती थी कि उनके साथ सेल्फी खिंचाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। उस लिस्ट की आखिरी लाइन कुछ ऐसी है जिसे सेल्फी प्रेमियों को स्टोर कर लेना चाहिए अपने दिमाग में। वो लाइन कहती है कि क्या आप वाकई मुझसे मिलना चाहते थे, या फिर बस उस लम्हे को कैद करना चाहते थे जिसके ज़रिए आप पूरी दुनिया को बता सकें कि आप मुझसे मिले थे।